कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। गाजियाबाद की रहने वाली राधिका को उसके फोन पर एक लिंक आया, जिसमें बताया गया कि केवल YouTube चैनल पर क्लिक करके वो खूब पैसे कमा सकती हैं। राधिका ने कहा कि चलो, YouTube की बात है तो सेफ ही होगा, तो चलो जुड़ जाते हैं। उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो वो एक Instagram ग्रुप से जुड़ गई। उसके बाद किसी ने राधिका को डायरेक्टली कॉल किया और कहा कि आपको केवल कुछ YouTube चैनल्स को लाइक करना होगा और बदले में आपको इसके पैसे मिलेंगे। राधिका झट से तैयार हो गई और कुछ दिनों तक वो बताए गए चैनल्स और वीडियो को लाइक करती रहीं। ऐसा कर उन्होंने 10,000 रुपए भी कमाए। उसके बाद स्कैमर्स ने राधिका से कहा कि अगर वो कुछ पैसे निवेश करेंगी तो उन्हें कम समय में 2 गुनी रकम मिल जाएगी। राधिका इसके लिए भी तैयार हो गई और इस पर राधिका को एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें सच में जो पैसे लगाए थे उसकी 2 गुना रकम उन्हें मिली है। इन लोगों की बातों पर भरोसा करते हुए राधिका ने बताए गए अलग अलग बैंक खातों में निवेश करना शुरू कर दिया। उसकी निवेश की रेंज 10,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक होती थी। हर बार जब राधिका ने निवेश किया तो उसे एक मैसेज मिल रहा था, जिसमें उसके इन्वेस्टमेंट और उन पर इंटरेस्ट रेट्स की कंफर्मिंग की जाती थी। ऐसा करते करते राधिका ने 2,70,00,000 रुपए निवेश कर डाले। कुछ दिनों बाद राधिका के पास मैसेज आने लगे कि आपको डबल पेमेंट मिल गई है, और ये मैसेज बार बार आने लगे। पर राधिका ने जब चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके खाते में 1 रुपये भी नहीं आया था। इस पर राधिका को शक हुआ और उसने इन लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। राधिका ने और जरियों से भी उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह उनसे संपर्क नहीं हो पाया। राधिका ने ये बात अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बताई। पूरा मामला सबके साथ डिस्कस करने के बाद राधिका को साइबर ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। राधिका की कहानी से आपको क्या नसीहत मिलती है? पहली बात, कभी भी सस्पिशियस लिंक पर भूल कर भी क्लिक ना करें और ना ही किसी सस्पिशियस ग्रुप से जुड़ें। ऑनलाइन लॉटरी, शॉपिंग, गेमिंग या फिर फ्री डाउनलोड का लालच देने वाली वेबसाइट्स को ना ही खोलें और ना ही अपनी कोई जानकारी दर्ज करें, जैसे कि बैंक डिटेल्स, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स भूल कर भी ना डालें। ये याद रखें कि वीडियो लाइक करने के पैसे कभी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता हमेशा धोखे वाला ही होता है। बेहतर यही है कि आप इस तरह की चीजों से दूर रहें। समय समय पर बैंकिंग पासवर्ड को अपने चेंज करते रहें। अगर ठगी हो जाती है तो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं और फिर नजदीकी साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन, और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।